एक बार जंगल किनारे एक गांव था। उस गांव में पूजा नाम की एक औरत रहा करती थी। उस औरत को जानवरों से बहुत प्यार था, इसी कारण जंगली जानवर उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। कई बार तो शेर भी गांव में आ जाते थे। अरे शेरा, तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुमको किसी गांव वाले ने देख लिया तो मुझसे लड़ेगा आकर, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी गांव के सरपंच वहाँ आ जाते हैं और पूजा को गुस्से में बोलते हैं, पूजा ये क्या है? आज तुम्हारे चक्कर में शेर ही आ गया गांव में। देखो, मैंने तुम्हें पहले कई बार मना किया था लेकिन तुम नहीं मानी। इससे पहले गांव के लोग नाराज हों, तुम अभी यहां से चली जाओ। लेकिन सरपंच जी, ये शेर किसी गांव वाले को कुछ नहीं कहता। देखो, आपको भी कितने प्यार से देख रहा है। लेकिन सरपंच उसकी बात नहीं सुनता और फिर पूजा गांव छोड़कर जंगल में चली जाती है और जानवरों के बीच रहने लगती है। वहां पर एक शेरनी प्रेग्नेंट होती है, उसका नाम लूसी होता है। लूसी हमेशा पूजा के आसपास ही रहती थी। इधर गांव में दो अंग्रेज शिकारियों को पूजा के बारे में पता चलता है। गांव वालों, हमने सुना है यहाँ कोई जंगल गर्ल रहती है और उसके शेर भी दोस्त हैं। तुम लोगों में से जो कोई हमको उससे मिलवाएगा, हम उसको माला माल कर देंगे। सही सुने हैं सरकार, एक ठो लड़की है पूजा नाम की। अगर आप हमको इनाम दें तो हम आपको उससे मिलाए सकत हैं। है? इसके बाद पुत्तन उन शिकारियों को पूजा से मिलवाने के लिए ले जाता है। पूजा उस समय शेर और शेरनी के साथ ही बैठी होती है। तुम हो पूजा, वो जंगल गर्ल, I like it। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ना समझने वाला। हम तुमको खूब पैसा देंगे इन जानवरों के बदले, राइट? ये सुनकर पूजा को गुस्सा आ जाता है और वो उन शिकारियों और पुत्तन को जंगल से चले जाने के लिए कहती है। देखो आप लोग जो कोई भी हो, फूट लो यहाँ से, नहीं तो मेरे दोनों शेर तुम तीनों को यहीं अमीर बना देंगे। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अपने अपमान की वजह से दोनों गुस्से में रहते हैं और पूजा से बदला लेने का ठान लेते हैं। क्या समझती है ये लड़की अपने आप को? मैं इसे और इसके शेरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा इतना बेइज्जती कभी नहीं हुई। सही कहा था सर जी, ये औरत तो बहुत बदतमीज है। आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर रात में वो तीनों पूजा से बदले के इरादे से पूजा के जंगल वाले घर में पहुंचते हैं। पूजा के घर के बाहर शेर बैठा होता है। शिकारी गुस्से में उसके ऊपर गोली चला देता है। शेर वहीं मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर पूजा और लूसी बाहर आ जाते हैं। जालिमो, तुमने ये क्या किया? एक निहत्थे बेगुनाह जानवर को मार डाला। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। पूजा, ये तो जानवर हैं। भला इनके रहने या ना रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, है? तभी शिकारी लूसी पर निशाना लगाता है, लेकिन पूजा लूसी और गोली के बीच आ जाती है। गोली पूजा को लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। लूसी, आह, तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये दुष्ट तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू भाग जा यहाँ से। लूसी वहाँ से भाग जाती है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन तेरे जैसी बेवकूफ लड़की मैंने पहले नहीं देखी। एक जानवर के लिए अपनी जान दे दी। और उस लूसी और जंगली जानवरों को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी न किसी दिन तो उन्हें मरना ही होगा। तेरे जैसे घटिया इंसान ये बात नहीं समझेंगे, और मेरे रहते तू लूसी और जंगल के जानवरों को छू भी नहीं सकता। ऐसा कहकर पूजा मर जाती है। अरे साहब, लगत है कि तो मर गई। इससे पहले लोगों को पता चले
हमें इसे दफना देना चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। फिर तीनों मिलकर पूजा की लाश को दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर रात में बारिश होने लगती है, जंगल में से भयानक आवाजें आने लगती हैं। लूसी भी दफनाई हुई जगह के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में मिट्टी में से धीरे धीरे एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल को देखकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। लूसी देखो मैं आ गई, मैं उन तीन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने शेरा को और मुझे मारा है। तभी लूसी के पेट में दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। लगता है लूसी को बच्चा होने वाला है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन इससे पहले कि चुड़ैल कुछ करती, बच्चा पेट से बाहर आ जाता है। बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये तो मरा हुआ है, लेकिन अगर लूसी को पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। क्यों ना मैं इसके अंदर समा जाऊं? ऐसा कहकर चुड़ैल उस शेर के बच्चे के अंदर समा जाती है। देखते ही देखते शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। उसका सिर चुड़ैल का और धड़ शेर का होता है। तभी लूसी को होश आ जाता है और वो दहाड़ने लगती है। अरे लूसी तुम बोलो, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आ रही हैं। दीदी जब तुम जिंदा थी तब हमारे जैसे जानवरों के लिए अपनी जान दे दी, और अब जब मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो आप मेरी खुशी के लिए उसे जिंदा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। ये बात सुनकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है। तुम बेजुबान लोग भी तो हम इंसानों से निस्वार्थ प्रेम करते हो। जब तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो, तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फिर अगर तुम मेरी बहन हो तो ये मेरा बेटा हुआ ना, और इसकी मौसी के होते ये कैसे मर सकता है? चलो अब रोना बंद करो, हमें उन शैतानों से शेरा की मौत का बदला लेना है। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से शिकारियों के घर की तरफ चल पड़ती है। चुड़ैल को देखकर जानवर अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। एक शिकारी अपने घर पर अकेला होता है। लगता है आज जंगल में कुछ गड़बड़ है, बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही है, मैं अपनी गन ले लूं साथ में। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल का मुंह और शेर का शरीर देखकर शिकारी बहुत डर जाता है। उसके हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तेरे काले कारनामों का नतीजा हूँ। देख ले और अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। तभी चुड़ैल के मुंह की जगह पूजा का मुंह आ जाता है और फिर से गायब हो जाता है। फिर चुड़ैल शेर के रूप में आकर उसे मार डालती है। अगले दिन पुत्तन और दूसरे शिकारी को पहले शिकारी के बारे में पता चलता है। पुत्तन गांव वालों को भी बुला लेता है और फिर बोलता है। हमका तो लगत है ये शेर नरभक्षी हो गया है, जितने भी शेर बचे हैं हमें मार देने चाहिए। हैं? पुत्तन बेटा कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन कैसे? हम गांव वाले शेरों से मुकाबला कैसे करेंगे? सरपंच जी, केवल एक शेर नहीं ही बची है, शेर को तो हमने मार डाला है, बस आप इस आदम को शेरनी से लड़ने में हमारी मदद कर दो। फिर गांव वाले योजना बनाते हैं कि शिकारी और पुत्तन गांव के बीच बनी कुटिया में सोएंगे और जब चुड़ैल के रूप वाला शेर आएगा तो उसे पकड़ लेंगे। फिर योजना के अनुसार दोनों गांव के बीच बनी कुटिया में सो जाते हैं और रात में लूसी और चुड़ैल शेर आता है। गांव वाले दूसरे घर में छुपकर उन दोनों को देखते हैं। अरे ये कैसा शेर है, जिसका धड़ तो शेर का है पर सर किसी चुड़ैल का, कुछ गड़बड़ है, ये हमारी तरफ ही आ रही है। जैसे ही चुड़ैल पुत्तन और शिकारी वाली कुटिया में घुसती है, पुत्तन और शिकारी दूसरे दरवाजे से निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। चुड़ैल खिड़की पर आकर जोर से चिल्लाती है। दुष्टों, तुमने क्या सोचा है? तुम इस तरह अपनी मौत को टाल दोगे, कोई नहीं बचेगा इस गाँव में। तभी सरपंच जी आते हैं और खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। बेटा कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर चुड़ैल उन्हें पूरी बात बताती है जिसे सुनकर। पूजा बेटी हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। हम तो बस इन शेरों से डर गए थे, लेकिन इन दुष्टों को भी इनके किए की सजा मिलनी चाहिए,
सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर सरपंच झोपड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। लूसी और चुड़ैल दोनों शिकारी और पुत्तन को मार डालती हैं। पूजा बेटी, अब तुम अपना गुस्सा शांत करो। मैं और गांव वाले तुमसे वादा करते हैं कि अब से इन जानवरों का कोई शिकार नहीं करेगा। ठीक है सरपंच जी। लूसी, मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी शक्ति से जिंदा करके जा रही हूँ, जिससे जब मैं इसके शरीर से निकलूंगी तब भी ये मरेगा नहीं। तुम जंगल में अब आराम से रहना और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। उसके बाद पूजा वहाँ से गायब हो जाती है।